सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू द एस्पेक्ट विजन. हियर द सब्जेक्ट इज इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम. इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम एसबीटी के एसबीटी में एक सब्जेक्ट दिया गया है जो कि पढ़ना है हम लोग को, फर्स्ट ईयर वाले को पढ़ना है इसमें. और इसमें आईटी सिस्टम पहले जानते हैं होता क्या है. आईटी सिस्टम देखिए आज के समय में जीवन शैली बदलते जा रही है, इतना आईटी सिस्टम हमारे ऊपर है कि आज की जीवन शैली कुछ ना कुछ रोज नया आ जा रहा है. पहले 2G था, फिर 3G था, फिर 4G आया, अब 5G आ गया. तो क्या है ये 2G, क्या है ये 3G, क्या है ये 4G, क्या है ये 5G, तो इसके बारे में हम लोग जो जानेंगे तो वो कैसे जानेंगे. तो 2G एक जनरेशन था, वो फिर एक नेक्स्ट जनरेशन आ गया, फिर एक नेक्स्ट जनरेशन आ गया, फिर एक नेक्स्ट जनरेशन आ गया, तो ऐसे चलते जा रहा है. कुछ ना कुछ रोज इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बनते जा रहे हैं. तो किसके हेल्प से? आईटी सिस्टम के हेल्प से. आईटी सिस्टम मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूरी तरह से आप समझ जाइए इसको. अब देखिए आईटी सिस्टम इसलिए हर एक इंजीनियरिंग फील्ड में इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी इंजीनियर बनेगा तो वो क्या नॉलेज, मतलब कोई भी डाटा कुछ भी वो कहां से कैसे भेजेगा, किसी को कैसे भेजेगा. कोई भी हर एक ब्रांच वाले को आप ले लीजिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, किसी को भी ले लीजिए, जो भी ब्रांच है आपका, उसमें कुछ ना कुछ तो डाटा रहेगा, कुछ ना कुछ तो उसको कुछ तो ना कुछ तो करना पड़ेगा. जैसे सिविल वाले को कैड पढ़ना पड़ेगा, तो कैड कहां पे बनेगा? वो तो आईटी सिस्टम की वजह से बना हुआ है. कोई भी फंक्शन हमारा लैपटॉप में चलेगा या फिर पीसी में चलेगा या फिर कहीं भी चलेगा, तो वो कहां कैसे चलेगा, किस पोजीशन पे वो रन करेगा, किस प्रोग्राम उसमें क्या होगा, सारा कुछ हमारे ये आईटी सिस्टम में आता है. आईटी सिस्टम जो ये एक सेक्टर है, इसमें बहुत सारे आज जॉब कर रहे हैं और बहुत सारे इंटरेस्टेड है आज यहाँ इस फील्ड में, बहुत इंटरेस्टेड है इस फील्ड में. आईटी सिस्टम आज वो लेवल पे चली गई है जो कि मतलब अब हमारी जीने की एक वो ताल्लुक बन चुकी, जिंदगी का एक हिस्सा हो चुका है आईटी सिस्टम. बिना उसके हम लोग एक अधूरे से हो जाएंगे, पूरी तरह हम लोग आधा से ज्यादा उस पर डिपेंडेंट हो चुके हैं. अब देखिए इसमें जो हम लोग को पढ़ना है वो बेसिक इंटरनेट स्किल. इसमें जो पढ़ना है 5 टॉपिक पढ़ना है, यूनिट 1, यूनिट 2. यूनिट 1 में है बेसिक इंटरनेट स्किल, इसमें है OS इंस्टॉलेशन यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे सिस्टम में रहता है. यूनिट 3 में HTML और CSL और मेकिंग वेब पेज, हाउ टू मेकिंग वेब पेज. और यूनिट 4 में आपका ऑफिस टूल. और यूनिट 5 जो कि लास्ट चैप्टर है उसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. अब देखते हैं इंटरनेट स्किल में होता क्या है, इंटरनेट स्किल क्या है. जनरली समझिए इंटरनेट क्या है, इंटरनेशनल नेटवर्क. व्हाट इज इंटरनेशनल नेटवर्क? इंटरनेशनल नेटवर्क मतलब एक भी कोई भी पोजीशन पे हम खड़े हैं, कोई भी पोजीशन पे हमको यहाँ का भी नॉलेज मिल जा रहा है, यहाँ का भी नॉलेज मिल जा रहा है, फिर इसको भी यहाँ का नॉलेज मिल जा रहा है, फिर एक पोजीशन यहाँ है, इसको भी यहाँ का नॉलेज मिल रहा है, यहाँ का नॉलेज मिल रहा है, यहाँ का नॉलेज मिल रहा है. मतलब एक भी फील्ड में आज के समय में देख लीजिए कोई भी वेब जो डिजाइन होते हैं, मतलब हम कहाँ रहते हैं और कहाँ का इन्फॉर्मेशन तुरंत कहाँ चल जाता है. कुछ भी होता है, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी क्रिकेट मैच, कुछ भी हम लोग देखते हैं. जरूरी नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही हो, वो तो बहुत बाहर होते हैं, बट हम लोग आराम से देखते हैं. मतलब कोई भी कुछ भी हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होता है, तो वो कहाँ से होता है? आईटी सिस्टम की मदद से आज हम लोग ये सब देख पा रहे हैं, ये सब समझ पा रहे हैं. अब देखिए इसमें हम जो बताएं भी इंटरनेट, तो इंटरनेट इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम लोग को एक से एक दूसरे से जोड़ने के लिए मेन इसका मोटो होता है इंटरनेशनल नेटवर्क. मतलब देखिए इंटरनेशनल, जब नेशनल ही इंटरनेशनल ही है तो फिर नेशनल का क्या दिक्कत होगा, इसमें पूरी तरह से जोड़ेगा एक दूसरे को, इसी को कहते हैं इंटरनेट. अब देखिए इसमें आते हैं कुछ टॉपिक जो इंटरनेट स्किल में पढ़ना है हमको. इसमें अंडरस्टैंडिंग ब्राउज़र आता है. ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र जनरली हम लोग कह सकते हैं जैसे कोई भी चीज़, कोई भी डिवाइस में इंटरनेट एक्सेस करेंगे तो इंटरनेट जो एक्सेस करेंगे ये एक नेटवर्क है. जनरली समझिए नेटवर्क है. इंटरनेट जो एक्सेस करेंगे तो वो कहाँ एक्सेस करेंगे, तो कैसे एक्सेस करेंगे, मतलब कुछ भी होना चाहिए. तो वही ब्राउज़र उसी को मदद करता है हम लोग को कोई भी वेब पेज डिजाइन करने. जब वेब पेज डिजाइन हो जाता है, जब हम लोग कुछ भी सर्च मारते हैं कहीं पे भी, तो एक उससे पहले एक स्टेप आता है जिसको वेब ब्राउज़र कहते हैं. वेब ब्राउज़र में हम मान लीजिए कि वेब ब्राउज़र जैसे ओपन किए, वेब ब्राउज़र जो भी है, जैसे आपका हो गया गूगल क्रोम. आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले वेब ब्राउज़र जो है वो है गूगल क्रोम. अब देखिए गूगल क्रोम ओपन तो किए, अब ओपन करने के बाद क्या आएगा, तो सर्च इंजन आएगा. सर्च इंजन किसको, कौन है? भी गूगल है. गूगल क्रोम का सर्च इंजन कौन है? गूगल है. अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम ही है, बहुत सारा होता है. मोजिला फायरफॉक्स आता है, उसके बाद एक और आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर.
इंटरनेट एक्सप्लोरर, मतलब बहुत सारा वेब ब्राउजर होता है, एक होता है ओपेरा, मतलब हर एक फील्ड वैसा हो गया है जैसे कि मतलब हम कुछ ना कुछ इस पर डिपेंडेंट हैं, कोई भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए, जैसे कुछ भी हो एक्सेस, हमारा कुछ भी एक्सेस करना हो तो हम लोग यहाँ पे पहले इंटरनेट जो एक्सेस करेंगे तो वो हम लोग गूगल क्रोम पे जाएंगे, गूगल क्रोम पे गए वो ऐप खोले तो एक जो हम लोग का सर्च होता है ना, मतलब एक कम्युनिकेशन जो होता है हमारा रिजल्ट का, जो भी हम सर्च मारेंगे या फिर जो भी हमको नॉलेज चाहिए होता है वो जो इंटरनेट एक्सेस करेगा, इंटरनेट जो एक्सेस करेगा नॉर्मली वेब ब्राउजर के हेल्प से इंटरनेट एक्सेस करेगा आपका, और जो भी मतलब एक वो कम्युनिकेशन होता है, एक अनुवाद होता है जो कि मतलब हम समझ सकते हैं अगले के प्रति कि वो क्या चाह रहा है और वो क्या मांग रहा है, तो वेब ब्राउजर वही हेल्प करता है। कोई भी वेब पेज जो भी डिजाइन होता है तो वो वेब ब्राउजर को, जो भी हमारा सर्च मारते हैं हम लोग यूजर जो भी होता है, वो जो भी वेब पेज में इंटरेस्टेड होता है तो उसी को कनेक्ट, बीच में जो कनेक्शन प्ले करता है मेन रोल, उसी को वेब ब्राउजर बोलते हैं। अब देखिए सर्च इंजन, हम लोग वेब ब्राउजर चलिए ओपन कर लिए, वेब ब्राउजर समझ गए कि एक इंटर कनेक्शन होता है वेब पेज और आपका यूजर के बीच, जो कि ओपन करने के में हमारा हेल्प करता है या फिर कोई भी एक्सेस करने में हमारा हेल्प करता है। अब देखिए सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन गूगल का हो गया, एक और इंपॉर्टेंट है बिंग, बिंग भी एक सर्च इंजन है, BING, बिंग, बिंग भी एक सर्च इंजन है जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर में होता है। अब देखिए यहाँ पे सर्च मारें, हम कुछ भी यहाँ पे सर्च मारेंगे, जैसे हमको कुछ भी चाहिए होगा, जैसे आपका कॉलेज का ही कुछ वेबसाइट होगा तो उसमें होगा www. आपका कॉलेज का नाम होगा, फिर आपका .com होगा लास्ट में, ये जो .com जो होगा इसको ये लास्ट में होता है और ये शुरू में होता है, उसके बीच में आपका जो रहता है वो भी एक सर्च इंजन का हिस्सा है। कुछ भी आप सर्च मार सकते हैं पढ़ाई रिलेटेड, आज आप सर्च मार सकते हैं गूगल पे, जैसे खोले आप वेब ब्राउजर, उसके बाद आपका सर्च इंजन आएगा, सर्च इंजन में आप मार लीजिएगा व्हाट इज IT सिस्टम, तो IT सिस्टम जो खुलेगा उसका बहुत सारा लिंक ब्लू 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 करके आएगा, उसको क्या बोलते हैं, उसको वेबसाइट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वेबसाइट बोलते हैं। अब देखिए वही वेबसाइट में हम जो उस पर क्लिक करेंगे तो एक वेब पेज खुलेगा, वेब पेज वही वेब पेज को हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, जो भी हमको नॉलेज चाहिए वहीं पे मिलेगा, पहले एक वेबसाइट खुला फिर एक वेब पेज खुलेगा। अब देखिए ये तीनों एक दूसरे से कनेक्ट है, वेब ब्राउजर खोले, सर्च इंजन खुला, पहले वेब ब्राउजर ओपन किया, इंटरनेट है मेरे पास तो मेरा कौन एक्सेस करेगा, वेब ब्राउजर एक्सेस करेगा। अब वेब ब्राउजर एक्सेस करेगा तो उसका कौन हेल्प लेगा, सर्च इंजन आएगा सामने में, सर्च इंजन सामने आएगा, हम यूजर जो भी है वो तो अपना सर्च करना चाहेंगे सर्च करेंगे, उसके बाद क्या आएगा, बहुत सारा मतलब ब्लू कलर का आएगा जो वेबसाइट आएगा, एक वेबसाइट आएगा, उसके बाद जो आएंगे वो वेब पेज आएंगे, तो वेब पेज में ही हमारा जितना भी टेक्स्ट ऑडियो वीडियो जो भी रहता है, पिक्चर्स जो भी रहता है वो वेब पेज में रहता है। नॉर्मली हमें कुछ भी पढ़ाई वगैरह रिलेटेड कुछ भी जानना होता है तो वेब पेज में जानते हैं हम लोग, और ये बीच में जो होता है ये सब एक प्रोसेस है जो कि हम लोग को यूज़र को कुछ ना हेल्प मिल सके। अब देखिए इसमें आते हैं नाउ लास्ट, मतलब ये जो है इसका थर्ड टॉपिक, ऑनलाइन पोर्टल जो होता है, पोर्टल क्या होता है जनरली समझते हैं, पोर्टल देखिए वो होता है जबकि हम लोग, देखिए एक वेब पेज होता है एक पोर्टल होता है सिमिलर, दोनों का ओपन भी सिमिलर होगा, बट यहाँ पे होता क्या, वेब पेज नॉर्मली टेक्स्ट होता है, नॉर्मल इसमें टेक्स्ट लिखे होते हैं हम लोग इसको पढ़ सकते हैं और इसमें कुछ करने, वेब पेज जो होता है पोर्टल जो होता है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोग पहले लॉग इन करना पड़ेगा, हम लोग को जो भी पोर्टल होता है उसमें पहले लॉगिन करना पड़ता है, कुछ भी हम लोग को डिटेल कुछ भी फॉर्म कुछ भी फिल करना होता है जो ऑनलाइन पर्पज से होता है वो हम लोग को वेब पोर्टल के हेल्प से होता है। पोर्टल जनरली कुछ बट हम लोग को कुछ टेक्स्ट चाहिए होता है कुछ पढ़ने के लिए तो हम लोग वेब पेज खोलते हैं, बट अगर कुछ हम लोग को कुछ इंडिविजुअली कुछ चाहिए होता है तो हम लोग को कुछ भी डाटा अगर एंट्री करना होता है किसी के अंदर, जैसे हमको कोई भी फॉर्म भरना है, आप BCCE का फॉर्म भरे होंगे उसके BCCE का वेब पेज खोल पोर्टल खोल के आप उसमें अपना फॉर्म अप्लाई किए होंगे, आपके बाद उसका आपका काउंसलिंग हुआ, उसका एग्जाम हुआ काउंसलिंग हुआ, तब आपका आज यहाँ पे आप डिप्लोमा कर रहे हैं। तो ये जो वेब BCCE का जो है ये क्या है, ये नॉर्मल वेबसाइट नहीं है, ये पोर्टल है। पोर्टल में हम लोग जनरली फॉर्म टाइप से खुल जाता है, पहले आप उसको लॉगिन करना पड़ेगा, अपना नाम ईमेल जो भी वो मांगेगा उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको उस पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, उसके बाद वो जो भी रिक्वायरमेंट मांगेगा उस पे आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। नाउ अब देखते हैं, ये तो समझ गए पोर्टल क्या होता है। पोर्टल दो लेवल पे बनते हैं, एक होता है स्टेट लेवल, एक होता है सेंट्रल। अब देखिए स्टेट में अभी थोड़ा दिन पहले हम लोग सुने थे जैसे कि मतलब एक आ रहा था पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप,
तो वो क्या है, वो स्टेट लेवल का पोर्टल है। अच्छा पोर्टल आप समझिए, देखिए पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप खोले, अब वहाँ पे हम लोग जाके पहले अपना फॉर्म पहले लॉगिन किए, लॉगिन करने के बाद वहाँ पे हम लोग फॉर्म भरे, वो जो जो मांगा, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड किए, फिर तब हमारा जो भी होगा उसके बाद होगा। स्टेट लेवल, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल दो चीज़ होता है, इसमें समझ जाइए आप लोग। अभी बताया ना पोस्ट मैट्रिक वाला, अब देखिए सेंट्रल लेवल वाला क्या होता है। एक था नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP, उस पर भी बहुत सारे लोग फॉर्म भरे होंगे। एक स्टेट लेवल में था पोस्ट मैट्रिक, इसके बाद हम लोग ये सब पोर्टल हुआ, पहले लॉगिन कर लेना था, अभी जो जो बताएं वही सब, उसका डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने के बाद वहाँ अपने आप शो करता है कि आपका फॉर्म पोजिशन कहाँ तक पहुँचा, फॉर्म का कहाँ नहीं पहुँचा। आप जनरली देखिए, आप अपना एडमिशन से पहले आप लोग बनवाए होंगे इनकम, उसके बाद आप बनवाए होंगे कास्ट और डोमिकल जो भी था, सारा सारा का सारा सब कुछ बनवाए होंगे। वो सब किसके हेल्प से बनता है? पोर्टल के हेल्प से बनता है। सारा का सारा आज के समय में ऑनलाइन हो चुका है सारा काम, इसलिए बोले थे IT हमारे जीवन में जो है मेन रोल, एक हिस्सा बन चुका है, पूरी तरह हम लोग डिपेंडेंट पूरी तरह हो ही चुके हैं, मैक्सिमम पूरी तरह IT पे डिपेंडेंट हो ही चुके हैं। अब देखिए ये तो हो गया, अब हम लोग पोर्टल भी समझ गए। पोर्टल में क्या होता है, जनरली फॉर्म वगैरह जो फिलिंग होता है वो सब हम लोग पोर्टल में करते हैं। अब देखिए इसके बाद वेब पेज में, वेब पेज और पोर्टल में सिमिलर है, बट थोड़ा सा अंतर है कि हम लोग वेब पेज को जनरली पढ़ाई और ऑडियो वीडियो जो भी होता है इसको यूज कर सकते हैं, बस इसमें बस लॉगिन वगैरह ऐसा कुछ नहीं मांगता है। और ये एक और पोर्टल में हम लोग को लॉगिन करना पड़ता है और उसका फॉर्म जो रिक्वायरमेंट होता है फॉर्म फिल करना पड़ता है। अब देखिए हार्डवेयर, नेक्स्ट टॉपिक हार्डवेयर, सॉरी ये पूरे गंदा हो गया है, हम आपको नोट्स देंगे, बेहतर नोट्स देंगे आपको इसी ऐप में, जस्ट वीडियो के बाद आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, पूरी तरह से एकदम नीट एंड क्लीन मिलेगा। अब देखिए हार्डवेयर, नॉर्मली हार्डवेयर क्या समझते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट। देखिए सिस्टम जो भी डिवाइस होता है वो दो चीज़ से बनता है, एक हार्डवेयर, एक और होता है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। अब दो चीज़ से बनता है ये, बट यहाँ हार्डवेयर लिखा है, चलिए कोई बात नहीं। हार्डवेयर क्या होता है, कोई भी यूजेज हम लोग देखते हैं भी डिवाइस बनता है तो वो दो तरीके से बनता है, एक हो गया आपका कोई भी डिवाइस बनता है तो वो दो कंपोनेंट के हेल्प से बनता है, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। जनरली हार्डवेयर किसको बोलते हैं, कोई भी आप डिवाइस देखते हो तो उसका एक्सटर्नली जो पार्ट रहता है, जो भी बनता है जिस भी डिवाइस से, जैसे आपका मोबाइल ही मान लेते हैं तो उसके पीछे कवर होगा, उसके अंदर बैटरी होगी, उसके उसके ऊपर पे स्क्रीन होगा, जो भी उसमें मदरबोर्ड कैमरा जो भी आप टच कर सकते हैं, नॉर्मली समझ लीजिएगा टच कर सकते हैं, वो आपका हार्डवेयर हो गया। अब देखिए सॉफ्ट, इसमें दो कंपोनेंट से बनता है, यहाँ एक कंपोनेंट दिया हुआ है, सॉरी एक और होना चाहिए सॉफ्टवेयर, सिलेबस में ऐसा ही लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, कोई भी हम लोग देखिए इंटरनली जो भी चीज़ हम लोग देख लेते हैं अंदर में तो वो सॉफ्टवेयर हो गया। अब इसमें देखिए आप लोग जैसे ऐप देखते हैं कोई भी, तो ऐप क्या आपका, आप ऐप को कभी टच कर सकते हैं? नहीं। कोई भी आप मतलब म्यूजिक वगैरह जो सुनते हैं तो उसका ऐप ना आता है, म्यूजिक हो गया फिर गैलरी हो गया, तो ये सबको क्या कर सकते हैं आप, सिर्फ टच कर सकते, मतलब सॉरी टच नहीं कर सकते, ये सबको सिर्फ देख सकते हैं, और एक मतलब हाँ देख सकते हैं। और आपका हो गया जो भी, अब आप जो हमारा ऐप से जुड़े हुए हैं ये सब क्या, एक सॉफ्टवेयर है। अब जो भी आप जुड़िएगा मतलब ऐप के मदद से, और या फिर कुछ भी जो आपको टच नहीं कर पा रहे, कोई भी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही बनता है, MS विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह जो भी बनता है वो सब सॉफ्टवेयर होता है, सारे के सारे सॉफ्टवेयर है। ये ब्राउज़र भी सॉफ्टवेयर है, सब कुछ सॉफ्टवेयर है, कुछ भी हम लोग मतलब ऐसा कुछ टच वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं। अब देखिए हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर आपका, अब चलिए मोबाइल का तो एग्जांपल सब समझ लिए, अब PC देख लेते हैं। PC में आपका हो गया CPU माउस जो भी है आप जिसको टच कर पा रहे हो, वो सारा का सारा हार्डवेयर है। अब इंटरनली जो रहता है अंदर में, जो कि इनबिल्ड मतलब जो भी इनबिल्ड आता है, जो कि क्रिएट करना पड़ता है हम लोग को, वो हार्डवेयर रहता है, सॉरी सॉफ्टवेयर रहता है। अब देखिए ये तो हो गया पहला यूनिट, आई थिंक कंप्लीट हो गया, ये एक ओवरव्यू दे रहे हैं, इसके अंदर हम लोग सारा डिटेल से पढ़ेंगे, ब्राउजर क्या होता है, कौन सा ब्राउजर होता है, कैसा कैसे रन करता है पूरी तरह ब्राउजर। अब देखिए सर्च इंजन क्या है, मतलब इसमें कितने तरह के सर्च इंजन होते हैं, कैसे हाउ टू रन सर्च इंजन, पूरी तरह इस सब का ऑनलाइन पोर्टल, कैसे कैसे टाइप के पोर्टल होते हैं, क्या यूजेज होते हैं पोर्टल के। अब हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, सारा का सारा हम लोग अंदर में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे यूनिट 1 तो हो गया, इसके अंदर एक ओवरव्यू, अभी जनरली इंट्रो है तो आपको ओवरव्यू दे रहे हैं। अब देखिए यूनिट 2 में देखते हैं क्या होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम।
अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसको बोलते हैं, हमारा जो फ़ोन, जो भी फ़ोन हो, मान लीजिए फ़ोन है, तो फ़ोन जो हमारा रन करता है वो कैसे करता है, एक एक फंक्शन उसमें तैयार किया जाता है, अंदर में जो भी रहता है वो अंदर में खुद मतलब बनाया जाता है पूरी तरह कैसे। जब हम भी डिवाइस, चलिए हम लोग को पता है कि जनरली स्विच ऑफ कर दिए फ़ोन, जैसे फ़ोन ऑन किए तो फ़ोन को कैसे पता चलेगा आपका ब्राइटनेस का लेवल यहाँ तक था, पूरे ब्राइटनेस लेवल है तो यहाँ तक था, आपका बैटरी कितना परसेंट चार्ज था वो वहाँ तुरंत शो कर देता है, 49% है तो 49% शो कर देगा, अगर 100% में क्यों शो कर देगा। तो वही सब एक होता है जो कि वही सब होता है जो कि मतलब एक बनाना पड़ता है सिस्टम, खुद में एक सिस्टम बनता है फंक्शन के लिए, कोई भी प्रोग्रामिंग होता है एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि पूरी तरह रन कराया जाता है डिवाइस को। ये हमारे मतलब इसमें समझ लीजिए माइक्रोसॉफ्ट विंडो का नाम तो सब जाने होंगे, माइक्रोसॉफ्ट को सब पहचानते हैं, बिल गेट्स को, कितने दिन ये हमारे मतलब बहुत रिचेस्ट पर्सन, वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन में से एक हैं ये माइक्रोसॉफ्ट। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट जो है ये बनाती है विंडो। अब देखिए फोन आपका पीसी हो गई, इसमें आपका बहुत समय से आ रहा विंडो एक्सपी, उसके बाद विंडो 3, विंडो मतलब जो भी होता है, 2003, 7, 10 जो भी आ रही है विंडो, अभी 11 आ चुकी है आई थिंक। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे, जो भी सिस्टम को रन करता है, आप फ़ोन में ही देख लीजिए, आप सॉरी फ़ोन में ही देख लीजिए एंड्रॉयड, जिसका सबका फ़ोन होगा एंड्रॉयड जो है आपका, तो वो जो है आपका एंड्रॉयड जो है आपका, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसा मत सोचिएगा कुछ और है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। और आपका iOS हो गया जो कि आईफोन वगैरह में रहता है, ये तो नॉर्मल फ़ोन में रहता है, ये iOS मतलब आईफोन वगैरह में रहता है, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इसका इसका बहुत यूज है अभी के समय में, इसके बिना मतलब आप समझ लीजिए तो फ़ोन अधूरा है, मतलब फ़ोन रन ही नहीं कर पाएगा पूरी तरह से। अब देखिए ल्यूनस, इसमें दो दो चीज़ पढ़ना है, एक ल्यूनस एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, दोनों के दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट ल्यूनस जो है वो अब आना बंद हो चुका है, प्रो मतलब है कुछ बट बंद ही हो चुका है, हम लोग पूरी डिपेंडेंट है MS ऑफिस पे, सॉरी MS विंडो पे, विंडो पे पूरी तरह डिपेंडेंट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की है। अब देखिए ये तो चैप्टर हो गया, इसको हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हो मतलब कैसे रन करता है, कौन सा सिस्टम में कैसे रन करता है, जो भी है। अब देखिए यूनिट 3 में आते हैं, यूनिट 2 तक कंप्लीट हो गया, यूनिट 3 में आते हैं, HTML, CSL, मेकिंग वेब पेज। अब देखिए ये क्या है, हाउ टू मेकिंग वेब पेज, जनरली कैसे अपने आपका वेब पेज बनाएंगे, तो कोडिंग के लिए ये HTML होता है, CSL होता है, ये सब एक मतलब है तैयार करने के लिए आपका वेब पेज। अभी यहाँ पे समझा ना हम वेब पेज क्या होता है, यहाँ पे हम बताए थे वेब पेज क्या होता है, सॉरी उसको मैनेज कर दिए, यहाँ पे वेब पेज बताए थे, वेब पेज जो बनता है तो वो कैसे बनता है, उसमें लिखा लिखा मतलब कैसे आ जाता है, नॉर्मली हम लोग थोड़ी ना जो कि आदमी लिख देता होगा, कोई भी टाइप कर देता होगा, वही दिखने लगता है, नहीं उसके लिए पूरा का पूरा प्रोसेस चाहिए, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं HTML, उसके बाद हम लोग उसका जो भी कोडिंग होता है उसके अंदर जो जो इंक्लूड करना रहता है हर एक को स्टार्टिंग लास्ट कोडिंग से करते हैं, फिर लास्ट में आके फोटो वीडियो जो भी डालना होता है लास्ट में, फिर आके HTML से उसको क्लोज करते हैं, ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग वगैरह बहुत कुछ होता है इसमें, जो कि आपका वेब पेज बनाने में हेल्प करता है। ऐसा नहीं कि वेब पेज सिर्फ कोई बना सकता है, आप अपना खुद का वेब पेज बना सकते हो, बस आपको इसका नॉलेज होना चाहिए HTML का, इसका नॉलेज होगा आपको, आप पूरी तरह खुद का वेब पेज बना लोगे, कोई वेब पेज बनाने का कोई हार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आपका देखिए अब ये हो गया, आई थिंक इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैसे क्रिएट करेंगे वेब पेज, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा पूरी अच्छी तरीके से, पूरे बास प्रैक्टिकल वगैरह के वेब अच्छे से सिखाया जाएगा एकदम, HTML जो है और मतलब प्रैक्टिकल के थ्रू समझाया जाएगा, अगर आप नॉर्मल थ्योरी पेपर भी समझाएंगे बस प्रैक्टिकल के थ्रू भी आपको समझाया जाएगा, सॉरी प्रैक्टिकल मतलब ऑनलाइन ही होगी, हम आपको दिखाएंगे कैसे कोई भी वेब पेज बनता है, मतलब हमारे सिस्टम में जो भी होगा तो प्रेजेंट वगैरह करके हमको आपको दिखाएंगे HTML कैसे रन करता है, वेब पेज कैसे बनता है, क्या कैसे काम करता है, मतलब कुछ भी यहाँ कोडिंग है कोडिंग लिख देंगे, उसके बाद यहाँ कौन सा कैसे व्यू आ गया इस पर, तो वो सब आपको बताया जाएगा। अब देखिए ये यूनिट खत्म हो गया, ये ओवरव्यू समझ लीजिए नॉर्मली। अब देखिए यूनिट 5 जो है ऑफिस टूल, आज के समय में ऑफिस टूल, कोई भी डाटा हम लोग तैयार करते हैं, बड़े से बड़े डाटा, कितने भी बड़े डाटा हों, जितने भी बड़े डाटा हों, जो भी लिखते हैं वो ऑफिस की वजह से ही लिख पाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS एक्सेल, ये सब क्या है ऑफिस टूल में, आज जो है वो सिर्फ MS का ही चल रहा है, नॉर्मल जो पूरे पॉपुलर है वो सिर्फ MS है माइक्रोसॉफ्ट।
ऑफिस टूल होता है जो कि आपका सिस्टम में इनबिल्ड आता है। जब आप सिस्टम लैपटॉप या पीसी खरीदिएगा ना, उसमें आपको इसमें पैसा लगता है, एमएस में पैसा लगता है, बट वो आपको रखना पड़ेगा। आई थिंक उसको रखना जरूरी है, क्योंकि उसी से आप कुछ भी क्या कर सकते हो, कोई भी सीट तैयार किए हम, आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आएगा तो वो किसके मदद से आएगा, एमएस वर्ड के हेल्प से आएगा। या फिर आप कोई भी प्रेजेंटेशन बनाओगे बड़े बड़े, जब कंपनी में काम करोगे तो आपको बोलेगा इसका प्रेजेंटेशन ये बना के लाना है, तो वो कहाँ बनेगा, एमएस पावर पॉइंट पे बनेगा। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं, समझ आइए, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपका काम करेगा पावर पॉइंट, सॉरी इसको पावर पॉइंट, ये एमएस पावर पॉइंट सारा एमएस का, एमएस मीन्स माइक्रोसॉफ्ट, एमएस मीन्स माइक्रोसॉफ्ट, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, जो भी है इसमें, एमएस पेंट भी, बचपन में जब आप लोग सॉरी जो जो पढ़े होंगे वो बचपन में मतलब पढ़े होंगे कि एमएस पेंट होता है, बहुत अच्छे से पेंट करते थे हम लोग, फ्लैग बनाते थे, उसमें कलर डाल देते थे आराम से, बहुत सारा कुछ कर देते थे बचपन में जब प्रैक्टिकल वगैरह मिलता था। तो अब देखिए एमएस ये तो हो गया ऑफिस टूल, ऑफिस टूल आपका सिस्टम इनबिल्ड आएगा, आपको इनबिल्ड आएगा बट आपको परचेस करना पड़ता है इसको, सॉरी इनबिल्ड आएगा बट आपको परचेस करना पड़ता है, क्योंकि इसके बिना सिस्टम आई थिंक नॉट कुछ नहीं है इसके बिना। अब देखिए इसमें ये हो गया ऑफिस टूल, इसमें क्या होता है ओपन ऑफिस, आपको आपके सिलेबस में दिया हुआ है ओपन ऑफिस। ओपन ऑफिस का क्या यूज़ है, ओपन ऑफिस आज के समय बंद हो चुका है, ये फ्री का आता है, इसका कोई परचेस वगैरह कुछ नहीं पड़ता है, ये आप नॉर्मली जाके गूगल से या कहीं से डाउनलोड कर सकते हो इसको, इसमें कोई मेहनत नहीं है, कुछ भी नहीं है ओपन ऑफिस में, OPEN ओपन ऑफिस, इसमें कुछ नहीं है। ऑफिस टूल में दो तरह का आता है, एक MS आ गया, एक ओपन हो गया, मतलब एक जो आपको परचेस करना पड़ेगा, एक फ्री आता है, बट फ्री का उतना सारा मतलब आपको फीचर्स नहीं मिल पाएगा जिसमें आपको एक्सेल, वर्ड, MS ये सब में आपको जो भी फीचर्स मिलेगा वो बहुत अच्छा फीचर्स मिलेगा। चलिए देखिए अब यूनिट 5, हमने सारा इरेज कर दिया क्योंकि पूरी तरह गंदा ही हो चुकी थी बोर्ड। अब देखिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये आपका यूनिट 5 में आता है, वहां तक तो देख लिए हम लोग, ऑफिस टूल में जो जो आता था, ओपन ऑफिस था, क्लोन और आपका एक एमएस ऑफिस था, जो जो था वो एमएस ऑफिस को परचेस करना पड़ता है, ओपन ऑफिस आपको फ्री में मिलता है। अब देखिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ये क्या है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में, जितने हमारे आईटी सेक्टर आगे बढ़ रहे हैं बस इसका बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ इसको एडवांटेज के लिए यूज कर रहे हैं, बट बहुत सारा डिसएडवांटेज हो रहा है इसके साथ में, बहुत सारी धोखाधड़ी की केस मिल रही है, किसी का मतलब अकाउंट से पैसा निकल जा रहा है, किसी का पर्सनल डाटा लीक हो जा रहा है, अकाउंट से पैसा निकल जा रहा है, मतलब जो भी आप कमाओ वगैरह के जैसे भी करके रखते हो वो पैसा अचानक गायब हो जाए तो किसी के लिए बहुत बड़ी शॉकिंग है। अब देखिए किसी के साथ मतलब कोई उसका डाटा लीक हो जा रहा है, कुछ से कुछ लीक हो जा रहा है, जैसे कोई भी चीज़ लीक हो जा रहा है आपके फ़ोन से अचानक से, तो वो कैसे हो जा रहा है, ये क्या है, यही आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होता है। सिक्योरिटी मतलब खुद को बचाना सीखे, अपने आप को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, मतलब बचना, कैसे हम बचेंगे ये सब चीज़ से। बट आज के समय में वास्ट है, आईटी बहुत आगे बढ़ रही है, बहुत आगे आईटी बढ़ रही है, बट इसमें कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी मिलते हैं, तो वही चीज़ जो हम लोग को बचाना, अपने ओटीपी, कैसे बोलती है कि हम लोग कोई ओटीपी वगैरह शेयर नहीं करना चाहिए, अपना पिन शेयर नहीं करना चाहिए, ओटीपी शेयर नहीं करना चाहिए, तो ये सब जो भी है तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आपको मतलब एक सिस्टम को पूरी तरह रन करने के लिए क्या क्या चीज़ का हेल्प चाहिए, और एक्स्ट्रा कोई भी चीज मांगे तो नहीं देना चाहिए, कोई भी आजकल आपका पेमेंट वगैरह कुछ भी करते हैं तो ओटीपी आता है, वो ओटीपी वहां से तो कर देगा, बट आपको ये ओटीपी जैसे शेयर कीजिएगा तो आपका सारा अकाउंट क्लियर कर देगा, आपका कोई भी ईमेल वगैरह जो भी है पूरी तरह पर्सनल, आपका फोन हैक हो जाएगा, पूरे फोन उसके कंट्रोल में चल जाएगा OTP बताने से, आपका यहाँ तक की हो चुका है, कुछ भी आप आज के समय में परचेस कर रहे हो तो वो आप कैसे परचेस कर रहे हो, तो पूरी तरह सेफ और अच्छे से करना है हम लोग को। अब देखिए ये तो इंट्रो था हमारा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी समझ जाइए इतना सा, अब देखिए हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे आगे, यूनिट बाय यूनिट पढ़ेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक।